उत्तराखंड में चल रहे अवैध कैफे व स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापा मारा, लेकिन छापे की भनक लगते ही कैफे के मालिक सेंटरों को बंद करके फरार हो गए, जिसके एवज में टीम ने सेंटर पर नोटिस चस्पा कर दिया और मालिकों को ओरिजिनल पेपर लेकर एंटी ह्यूमन सेल में वेरिफिकेशन कराने की चेतावनी दी है। काशीपुर के प्रिया मॉल में चल रहे अवैध कैफे व स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापा मारा, लेकिन कैफे व स्पा सेंटरों को कार्रवाई की भनक पहले ही लगने के कारण वो अपने सेंटर बंद करके फरार हो गए। वहीं पुलिस ने संचालकों से फोन पर संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन संपर्क न होने के बाद सेंटरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और चेतावनी देते हुए मालिकों को ओरिजिनल पेपर लेकर एंटी ह्यूमन सेल में वेरिफिकेशन कराने का कहा गया है। जिसकी जानकारी देते हुए सीओ वंदना शर्मा ने बताया कि काफी समय से स्पा व कैफे सेंटरों में अवैध तरीके से कार्य किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी गोपनीय तरीके से जांच भी की गई थी। इसी को आधार मानकर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों में कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने ज्वाइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर दो तीन जगहों पर होटलों पर और यहाँ एक प्रिया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर है और कैफेज हैं यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की, परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गए। तो उसके बाद उनको काफ़ी हमने फ़ोन से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने उनको अनाउंसमेंट्स भी करवाई और दूसरे तरीके से मैसेजेस भी करवाए, परंतु काफ़ी समय तक वेट करने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया। तो इसमें फ़िलहाल हम एक नोटिस इसमें यहाँ पर चस्पा कर रहे हैं और नोटिस में जो भी नियम और SOP का पालन करने के लिए जो उनको बताया जा रहा है उसका वो लोग पालन करेंगे और अपने जो भी वैध डॉक्यूमेंट्स है वो सब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम में या थाना कोतवाली में जाकर अपना वेरिफिकेशन भी कराएंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।